हे भगवान, आपने एक पतिव्रता की कथा सुनाई, आप मेरी सुनवे को साहस होए तो हमते हुए कथा सुन लो। हाँ सुनाओ। बोले एक पतिव्रता थी, बिना पति के तो वो रह ही नहीं सकती थी। उसका नियम था पति के चरण धोती, पूजा करती, तब कुछ खाती पीती। पति ने कहा भाई हमको तो धन कमाने बाहर जाना पड़ेगा। बोले मैं तो मुझे साथ ले चलो। तुम कैसे साथ चलोगी तो एक नई समस्या होगी, मैं धंधा देखूंगा कि तुम्हारी सार संभार करूंगा, फिर हमारे नियम का क्या होगा। बोले कोई बात नहीं, हम अपनी एक मूर्ति तुमको बनवा के दे देते हैं। तो पति ने एक मिट्टी की मूर्ति अपनी बनवाई, अच्छे कलाकार बना देते हो बहु मूर्ति, तो मिट्टी की मूर्ति बन गई, घर में रखी थी। अब वो उसी की पूजा करती थी, अब भीतर से कुंडी और लगा लेती थी कि कोई विक्षेप ना करे। दो तीन वर्ष बाद पति आ गया परदेश से, उसने सांकल खटखटाई, स्वामी देवी द्वार खोलो मैं आ गया हूँ। अब प्रभु बड़ी समस्या होगी वा बिचारी पतिव्रता के सामने, दो पति है गए वाके, एक तो घर के भीतर विराजमान मिट्टी को पति, और एक द्वार पर ठाणो भयो चल तो फिर तो पति। तो वाकू कहा करना चाहिए, या माटी के पति की सेवा करे कि द्वार खोल के बाहर ठाणे भय पति को आदर करे, वाकू कहा करना चाहिए, आप बताओ। ठाकुर जी बोले श्याम गोपियो, जब तक वस्तुतः पति नहीं आया था, वास्तविक पति नहीं आया था, तब तक मिट्टी की मूर्ति की पूजा थी। अब सच्चा पति आ गया तो मिट्टी की मूर्ति को धरी पड़ी रहने दो कोने में, तो सच्चे पति का स्वागत करो। गोपी बोली महाराज आपने अपने मुक्ति न्याय कर दियो, ये सब शरीर संसार के माटी के पुतले ही हैं, ये सब हम लोगों को दिए थे पूजा सेवा के लिए, हमने खूब पातिव्रत धर्म का पालन किया, अब साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण द्वार पर खड़े हैं, तो भी हम हाड़ मास के पुतले मलमूत्र के भांड इन्हीं से प्रेम करती रहें, सच्चिदानंद श्री कृष्ण से प्रेम न करें क्या? पातिव्रत धर्म का उत्तम फल है आपकी प्राप्ति।